नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 25 गांव के विस्थापित प्रभावित जनी शिकार आंदोलन को लेकर पीटीपीएस काली मंदिर में हजारों की संख्या में विस्थापित प्रभावित पहुंचे और पैदल मार्च करते हुए पीवीयूएनएल गेट के समक्ष शक्ति प्रदर्शन किया। पारंपरिक हथियारों को साथ लेकर महिलाएं पुरुष की वेशभूषा में निकली। इस आंदोलन को लेकर रामगढ़ जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद थी। इस मौके पर हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, केंद्रीय महासचिव आजसू पार्टी के रोशन लाल चौधरी मौजूद थे। इस मौके पर गोमिया विधायक आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि विस्थापितों को हक और अधिकार मिलना चाहिए। वही हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि PVUNL से लगातार कहा जा रहा है कि 25 गांव के विस्थापित परिवार के लोगों को कार्यों में रखा जाए, परंतु इनके द्वारा दूसरे जगहों के मजदूरों को रखा जा रहा है, जो सही नहीं है। सांसद ने फिर कहा कि कांग्रेस पार्टी की ही देन है, विस्थापितों का हक और अधिकार अब तक अधूरा है। केंद्रीय महासचिव रोशन लाल चौधरी ने कहा कि PVNL अगर अब विस्थापितों की मांग अब नहीं सुनेगा तो अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा। विस्थापितों प्रभावितों के साथ सांसद जयंत सिन्हा के द्वारा PVUNL प्रबंधक HR हेड S. जोसेफ राहुल गौतम को ज्ञापन सौंपा। विस्थापित प्रभावित की मुख्य मांग झारखंड सरकार द्वारा घोषित विस्थापित प्रभावितों व स्थानीय नियुक्तियों में 75% आरक्षण लागू करें, विस्थापित को उचित मुआवजा, पूर्ण आवास 2003 कानून के तहत शीघ्र दिया जाए, विस्थापित प्रभावितों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, सभी विस्थापित प्रभावितों को गांव में मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जाए। देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्राथमिकता यहीं के क्षेत्र के वासियों को मिलना चाहिए। 70-80% जो यहाँ रोजगार है वो क्षेत्र के वासियों को मिलना चाहिए, ये सब स्वीकार करते हैं। और इसलिए हम लोगों को आधार कार्ड भी दिया गया है, जिसमें कि हम लोग देख सकें और पूरी तरीके से इसको तय कर सकें कि किन लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है, और इस पर जांच भी की गई है। साथ साथ हम लोगों ने छानबीन करके जो विस्थापित जो गांव है वहां से 261 लोगों को चिन्हित किया है, जिनको प्राथमिकता दी जाए, जिनको रोजगार दिया जाए, और उस पर भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये सब बातें जो तय हो चुकी थी उनको जिस रफ्तार से अमल करना था उसे नहीं किया जा रहा है, और इसलिए जनता जो है बिल्कुल सही तरीके से आज के समय बेचैन है, दुखी है, और इसलिए हम लोगों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को हम लोग। वी टाइम न्यूज के लिए पतरातू से अमित पाठक की रिपोर्ट।